पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं मनकबत पढ़ के इंशाल्लाह इख्तिताम करूंगा। सब मिलके साथ देंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कानन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कानन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी दोनों हाथों को बुलंद करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम सलाम दुआएं करते थे कि या अल्लाह मुझे तेरे प्यारे महबूब के उम्मत में पैदा फरमा। कौन कौन? इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मुझे प्यारे नबी तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में मुझे पैदा फरमा। तो हम कितने खुश नसीब हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। फख्र है कि नहीं इस बात का? है कि नहीं? वो चाहे ऑटो ड्राइवर हो, वो चाहे कार टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी हो, अगर देखे हो ना तो दिल से लगा लेना, गले लगा लेना। क्यों? क्योंकि वो भी हुजूर का उम्मत है, आप भी हुजूर के उम्मती। फख्र होना चाहिए इस बात का, क्योंकि सबको ये नसीब नहीं मिलता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो नसीब है ना, बचपन से ही मिल गया हुजूर के सदके में, है कि नहीं? इंशाल्लाह फख्र के साथ आप सबको कहना है वो मेरा नबी, कहेंगे ना इंशाल्लाह? जितनी आवाज है बाहर निकालना अपने दोनों हाथों को बुलंद करके। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, ऊंचा बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, पीछे बोलो मरहबा, आगे बोलो मरहबा, की आमद मरहबा, की आमद।
मैंने कहा वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, नबी है, नबी है ना, है ना, वो नबी के लिए मेरे अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया बनाया। लौला कलमा खलकतुल दुनिया दुनिया दुनिया, ऐ हुजूर अगर आप ना होते तो मैं कुछ भी ना बनाता 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 उनके लिए जमीन जमा तो मार दिया, ये मक्का तो मार दिया, चुने चुना तो मार दिया, पल्ले तो जगा तो मार दिया, जमीन जमा तो मार दिया, ये बदन में खिंचा तो मार दिया, हमारी यहाँ तो मार दिया, उनके भी मगा तो मार दिया, तुम्हारी चमक तुम्हारी नमक तुम्हारी धमक तुम्हारी महमार जमीन पर लग जमा तो जमा ऐसी कने जा तो मार दिया। Yeah.
महफिल में आए हैं तो उनके मदद के लिए बगैर हम यहाँ से जा नहीं सकते इंशाल्लाह आज वो बेशक बेशक हमारे इन झोलियों को भर के भेजेंगे इस यकीन इस ईमान के साथ मैं यहाँ पे आया अपने दोनों हाथों को बुलंद करके क्या कहना है अलमदद अलमदद ईमान के साथ अपने दोनों हाथों को बुलंद हकीकत